भाई एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का वीर से कहता है कि क्या तुम ही हो क्या बुट मैनिक। तो वीर कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं अभी चला जाता हूं यहां से। तो फिर वो लड़का कहता है कि यहीं रहो और मेरे बॉडीगार्ड बनो। तभी उसके पीछे से एक लड़का बोलता है कि युआन तुम्हें पक्का पता है कि यही बुट मैनिक है। इसके बाद एक लड़का बोलता है कि हाँ युवा तुम सही कह रहे हो, युवान इसे अपना बॉडीगार्ड बना रहा है और मुझे तो लगता है ये बेकार है और जब हम पे मुसीबत आएगी तो ये सबसे पहले भागेगा। इसके बाद में युवान उन सबको चुप कराते हुए कहते हैं कि मैं तो इसे चुन रहा हूँ, तुम अपना अपना बॉडीगार्ड चुन लो। इसके बाद युवान कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना साइन करो। तो फिर वीर भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना साइन कर देता है। इसके बाद एक लड़का वीर से कहते हैं कि युवान मास्टर ने तुम पे दया दिखाते हुए तुमको चुन लिया है तो इसको धोखा मत देना। तो वीर बदले में उस लड़के से इतना ही कहता है कि मेरी किस्मत लकी होती है हमेशा। इसके बाद हमें उन सभी को जंगल में दिखाया जाता है। फिर एक अचानक से एक लड़के को वहाँ पे एक एलियन दिखाई देता है तो वो सबको बताता है कि वहाँ पे मैंने एक एलियन देखा है। इसके बाद हमें एक परछाई दिखाई देती है एलियन की। फिर वो लड़का कहता है कि जल्दी उस मॉन्स्टर को पकड़ो और यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर अपना एरो निकाल लेता है और बो में लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एरो सीधा जाकर पेड़ में लगता है और फिर एक बंदा बोलता है ए वीर तुम कहाँ पे मार रहे हो। इसके बाद वीर कहते हैं कि यह पोकलिकस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे खींचने के लिए अपनी और ज्यादा पावर लगानी होगी। इसके बाद एक बंदा वीर से कहता है कि तुम्हें तीर चलानी तो आती नहीं है, तुमने ये भी मिस कर दी और फिर भी तुम यंग मास्टर के बॉडीगार्ड। तो वीर उससे कहते हैं कि मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो और फिर भी तुम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो। इसके बाद में वो लड़का कहता है और हाँ किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उन मॉन्स्टरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर युवांग कहते हैं कि तुम लोग इसे मत मारना, हम खुद मारेंगे इनको क्योंकि ये सिर्फ तीन ही प्राइमरी एलियन है जिसे हम खुद मार के देखना चाहते हैं। तो वो सभी कहते हैं कि केयरफुल रहना। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि सही में यार ये खुद लड़ रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें लड़ने का एक्सपीरियंस है और इन लोगों ने ट्रेनिंग कर करके खुद में इतना सुधार किया है कि ये किसी भी प्राइमरी एलियन से खुद निपट सकते हैं। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि जो बच्चे पहले से ही नॉवल स्कूल से पढ़कर आते हैं वो मेरी तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं क्योंकि जब मैं पहली बार टाइटन ग्रह पे आया था तो मैं एक ऑर्डिनरी एलियन से भी डरता था। इसके बाद युवान कहता है कि हे मैंने पहला शिकार कर लिया, ये हमने मारा है। इसके बाद हम एक बिस्ट को देखते हैं जो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है लेकिन जैसे ही युवांग उसके पास आता है तो वो उस पर अटैक करने लगता है। इसे देखकर सभी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि इसे प्रोटेक्ट करें। तभी वहाँ पर एक तीर आती है और वो उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे किल कर देती है। इसके बाद वो सभी उसको मिलकर उस बिस्ट को मारने लगते हैं और उसको गाली देने लगते हैं कि साले कमीने कुत्ते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरने की एक्टिंग करने की। इसके बाद हान हाओ युआन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो हुआन हाओ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, उसने पहले ही उसको बिस्ट को मार दिया था। इसके बाद हान हाओ वीर को चिल्लाते हुए कहता है कि अभी अभी तुमने शूट क्यों किया, तुम अभी अभी इसको घायल करने वाले थे। तो उसके पीछे खड़ा लड़का भी बोलता है कि हाँ तुमको पता है ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद हुआन कहता है कि गेट लॉस्ट। इसके बाद में वो दोनों बोलने लगते हैं कि ए वीर तुमने सुना नहीं अभी अभी हुआन मास्टर ने क्या कहा कि तुम यहाँ से अभी के अभी गेट लॉस हो जाओ। तो हुआन कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए कहा है ना कि वीर के लिए। इसके बाद हुआन कहता है कि तुम लोगों ने पैसा लिया और तुमको मुझको सेफ रखना था लेकिन जब मैं खतरे में पड़ा तो तुम लोगों ने क्या किया, और किसी ने भी कुछ नहीं किया, बस तुम वहाँ पे खड़े रहे और जिसने कुछ किया उसे तुम बुरा भला कह रहे हो और कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा बेशर्म हो, आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद हानहाओ कहते हैं कि तुम तो हमें कैटलॉस कर सकते हो लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तो ये गलत है, या तो हमें बाकी के पैसे दे दो। इसके बाद हुआन बहुत सारे पैसे हवा में उछालते हैं और कहते हैं कि इसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ कचरे के ढेर। इसके बाद वीर भी बाय बोल के जाने लगते हैं लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद वीर कहता है कि कोई बात नहीं और अच्छा हुआ तुम वहाँ पे घायल नहीं हुए। इसके बाद युवान अपने मन में सोचने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे इसका नाम वीर है और ये ब्लैक वॉरियर सीरीज एपोक्लिपस की डेविल सोल है। इस धनुष को खींचने के लिए किसी भी बंदे की फिटनेस 7 की होनी चाहिए और फिर वो मन में सोचने लगता है कि यार 7 ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद युवान वीर से कहता है कि ब्रदर वीर आज से हम दोस्त हुए और
और फ्यूचर में अगर मेरे को कभी भी जरूरत हुई तो मैं जरूरी तुमसे मदद लूंगा। फिर वीर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, क्योंकि तुमने मेरे को काम पे इसलिए रखा कि तुमने स्टार्टिंग में मेरी डेविल सोल को पहचान लिया था। इसके बाद वीर कहते हैं कि ये इतना अमीर है फिर भी इसकी आँखें इतनी तेज है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंचुरी गेट होता है। इसके बाद वीर जैसे ही एंटर होता है उसके सामने तीन बंदे आ जाते हैं और ये वही बंदे होते हैं जिनको हुआंग ने बाहर निकाल दिया था। अब वो बंदा बोलने लगता है कि तुमने मेरे को कम पैसे कमाने दिए, अब मैं तुमसे बदला लूंगा। तो गाइस अब मत कहना कि एपिसोड छोटा है, ठीक है, क्योंकि चार वो पहले 8 मिनट के और 5 मिनट का ये एपिसोड हो गया, ठीक है, तो मतलब काफ़ी बड़ा एपिसोड हो गया। तो गाइस एंजॉय करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी लोग भी मेरी वीडियो देख सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।